हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेनेथ गुरु। आज हम स्टार्ट कर रखे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे तरीके से कवर किया था, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको पूरा समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए देखते हैं, बोर्ड पर देखेंगे पहले। हाँ, टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला पॉइंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने के लिए पहले तो हमें सेक्स ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो दूसरा होता है वो होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेक्स ऑर्गन को दो क्लास में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कि गैमेट्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन प्लस हॉर्मोन की फॉर्मेशन में, गैमेट्स फॉर्मेशन और हॉर्मोन फॉर्मेशन, इसी में इन्वॉल्व होने वाले जो ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल के अंदर ये होता है टेस्टिस। मेल के अंदर क्या होता है? टेस्टिस। और फीमेल के अंदर ओवरी। तो अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं तो सिर्फ हम मेल की बात करेंगे। तो मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो क्या है? टेस्टिस है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन है जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के द्वारा जो गैमेट्स बनाए गए हैं या जो हार्मोन बनाए गए हैं उनके ट्रांसफर में हेल्प करता है। कहने का मतलब क्या है कि इसका सिर्फ सिंपल सा इतना काम है कि जो गैमेट्स बना है किसके द्वारा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के द्वारा, उसको बस ट्रांसफर करे। तो इसमें क्या क्या आते हैं वो देखते हैं हम। कलर चेंज करते हैं एक बार। तो देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है? एसेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का काम बेसिकली इतना याद रखिए आप लोग कि वो एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कि जो मतलब गैमेट्स बना है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे या उसकी मोटिलिटी में हेल्प करे, बस। और से ज्यादा कुछ काम नहीं है। एसेसरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसेसरी डक्ट्स। डक्ट्स ऐसा मान लीजिए कि एक रास्ता है जिसके थ्रू गैमेट्स मूव करेगा। तीसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसका नाम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया सिर्फ और सिर्फ इनसेमिनेशन में हेल्प करेगा। अब क्या होता है इनसेमिनेशन, मैंने लास्ट वीडियो में समझा रखा है, तो एक बार जरूर देखिएगा उसको। इतना समझ आता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऐसा सेक्स ऑर्गन है जो कि गैमेट्स बनाएगा और हार्मोन बनाएगा, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऐसा सेक्स ऑर्गन है जो कि उसके ट्रांसफर में हेल्प करेगा। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या इंक्लूड है? एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो चलिए पहले हम देखेंगे टेस्टिस के बारे में। इसको इरेज करते हैं एक बार। टेस्टिस, ह्यूमंस के अंदर टेस्टिस जो है वो पेयर में पाया जाता है। ठीक है, अकर इन अ पेयर। ठीक है, ओवल शेप होता है इसका। ह्यूमंस के अंदर जो टेस्टिस है वो बॉडी के आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके जो टेस्टिस है वो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अंदर पाए जाना या बाहर पाए जाना, इसका सिंपल सा फंडा ये है कि अगर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यानी स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए तो टेस्टिस बाहर होगा, अगर इसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो टेस्टिस अंदर होगा। मान लीजिए ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? ऑन एन एवरेज 95 98 डिग्री फारेनहाइट।
जो टेस्ट वो जो स्पर्म बनना है उसको उसको 98 से कम चाहिए, यानी कि 96 चाहिए, तो जाहिर सी बात है जो टेस्टिस है वो बाहर की तरफ होता है। तो ह्यूमन के लिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, इसीलिए टेस्टिस जो ह्यूमन के अंदर जो टेस्टिस है वो बाहर की तरफ होता है। रैबिट्स के अंदर टेस्टिस अंदर होता है, क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर उनको स्पर्म बनाने के लिए चाहिए रैबिट्स के अंदर। तो इतना फंडा याद रखिएगा कि ह्यूमंस के अंदर टेस्टिस बाहर क्यों होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। टेस्टिस जो है एक मस्कुलर एक कर्वेचर यानी पॉकेट्स में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्कॉटम। क्या बोलते हैं? स्कॉटम, स्क्रॉटम। ठीक है, एक बार डायग्राम से शो करूंगा मैं, देखिएगा ये मान लीजिए स्कॉटम है, रेड से मैं टेस्टिस को दिखा रहा हूं। ठीक है, ये मान लीजिए स्कॉटम है, इसको हम बोलेंगे स्कॉटम। याद रखिएगा कि यहां पे एक मसल पाई जाती है अंदर की तरफ में, उस मसल को बोलते हैं डार्टोज मसल। ठीक, स्कॉटम, डार्टोज मसल, और एक यहां पे एक लेयर पाई जाती है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया। उस लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजीनिया, ट्यूनिका एल्बुजीनिया। ठीक है, ये टेस्टिस है, ओवल शेप में है। ठीक, और इसका जो मसल है, मसल का नाम मैंने बता दिया स्कॉटम, और मसल के अंदर की स्पेशल मसल पाई जाती है डार्टोज मसल। याद रखिएगा, इस जो स्कॉटम जो है वो एक लिविंग मसल है, यानी कि मतलब इसका क्या होता है कि जब भी आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो मसल रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, ठंडियों में जो स्कॉटम जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, गर्मियों में नीचे की तरफ मूव करता है, तो इसका जाहिर सा मतलब यही है कि वो क्या है, एक लिविंग मसल है, क्योंकि वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अपने आप को शिफ्ट कर रहा है, अपने आप को मूव कर रहा है। इतना क्लियर है आप सभी को? स्कॉटम हमने देख लिया, टेस्टिस देख लिया, कितने पाए जाते हैं ये देख लिया, कैसा शेप होता है। अब चलते हैं थोड़ा सा ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, टेस्टिस के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है वो हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए टेस्टिस का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर ऑन एन एवरेज 250 कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स का मतलब अगर आप लोगों को पता हो इसको, कंपार्टमेंट्स को बस इतना याद रखिएगा, छोटे छोटे कमरे, जैसे आप लोग देखते हैं कि जैसे एमएनसीज कंपनी होती है उसमें स्टाफ के बैठने के लिए छोटे छोटे कमरे लगा दिए जाते हैं, एक पर्टिकुलर सेटअप दिया जाता है छोटे से ब्लैंक में, तो उसी तरीके से एक छोटे छोटे से उनके अंदर क्या मिलते हैं, कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। तो एक टेस्टिस के अंदर कितने हैं, 250 कंपार्टमेंट है। इस 250 कंपार्टमेंट का नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक, इतना क्लियर है, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। टेस्टिस के डायमेंशन देख लीजिए, पेयर में पाया जाता है, ओवल शेप होता है, एक मसल्स के अंदर पाया जाता है उसको स्कॉटम बोलते हैं, स्कॉटम के अंदर डार्टोज मसल होती है, डार्टोज मसल के अंदर एक लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया। ठीक, फिर हमने देखा कि टेस्टिस का ट्रांसवर सेक्शन देख रहे हैं, जब टेस्टिस को कट करके देखते हैं तो उसमें 250 कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, उन कंपार्टमेंट के लिए जो टेक्निकल वर्ड है उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं उसे, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब देखिए एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को देखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूं टीएल, यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ऑन एन एवरेज 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक बार ध्यान से देखिएगा। बेसिकली एक इपिथेलियल सेल की एक कंडेंस फॉर्म है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा सेल है, हाइली क्वाइल्ड सेल्स हैं, उसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इतना याद रखना है अभी आपके हो। ठीक है, तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अब देखिए 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये जो आपको दिख रहा है, ये इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल्स पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट।
वो कौन सी दो सेल हैं? नाम लिखेंगे एक बार इसका। दो तरह की सेल देखिए, एक का नाम है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, और दूसरे का नाम है जर्म सेल। सर्टोली सेल और जर्म सेल, जर्म सेल वही सेल है जो कि स्पर्म बनाएगी, इसीलिए उसका नाम है क्या है? जर्म सेल। जर्म का मतलब कि जनरेशन को बढ़ाने वाला, ठीक है ना। तो जर्म सेल क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। सर्टोली सेल क्या करेगा? उस जो स्पर्म बन रहा है उसमें हेल्प करेगा बस। हम देखेंगे जब स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे तो सर्टोली सेल का एक्चुअल फंक्शन देखेंगे उस टाइम पे। तो अभी तक अभी के लिए इतना याद रखिए, जो सर्टोली सेल है वो बस स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, यानी स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है। इतना क्लियर है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह की सेल्स पाई जाती है, सर्टोली सेल और जर्म सेल। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और 250 कंपार्टमेंट का नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक से तीन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह की सेल्स पाई जाती है, सर्टोली सेल और जर्म सेल। जर्म सेल का काम है सिर्फ स्पर्म बनाना, और सर्टोली सेल का काम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसमें एक तरह से हेल्प करना। एक्चुअल फंक्शन देखेंगे जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना याद रखना है आपको। इतना क्लियर है? अब देखिए, हमने देखा कि एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उसमें दो तरह की सेल, सर्टोली सेल और जर्म सेल। एक चीज और है, एक बार मैं डायग्राम में थोड़ा शो करता हूं आपको। जैसे ही देखिए, एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट, 250 को तो नहीं बना सकते हैं, तो मैं छोटा सा ऑन एन एवरेज 3 से शो कर दूंगा। 1, 2, 3 ये कंपार्टमेंट है, ये मान लीजिए टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इसके अंदर एक से तीन, इसके अंदर एक से तीन क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लेबल करते हैं एक बार, ब्लैक से जो शो कर रखा है वो क्या है आपका? टेस्टिकुलर लोब्यूल। रेड से जो शो किया वो क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि एसटी। टीएल का मतलब होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल, एसटी का मतलब है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब देखिए ध्यान से इसको देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ गैप्स हैं, उस गैप्स में भी एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है, उसको बोलते हैं लिडिक सेल। क्या बोलेंगे उसको? शो करता हूं मैं, इस मान लीजिए ये है, इसको बोलेंगे हम लोग लिडिक सेल, लिडिक सेल, या फिर इसका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल। ये एक ऐसा सेल है जो कि क्या बनाएगा? हार्मोन बनाएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऐसा सेक्स ऑर्गन होता है जो कि गैमेट भी बनाता है, और प्लस क्या बनाता है? हार्मोन बनाता है। गैमेट बनाने वाला सेल मैंने दिखा दिया जर्म सेल की, जो कि स्पर्म बनाएगा, और लिडिक सेल वो सेल है कि जो कि हार्मोन बनाएगा, यानी कि एंड्रोजन बनाएगा, यानी कि टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कौन बनाएगा? लिडिक सेल बनाएगा। इसीलिए टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था आपको कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन है कि जो कि गैमेट्स बनाएगा और हार्मोन बनाएगा। गैमेट्स बनाने वाला देख लिया क्या? जर्म सेल। और हार्मोन बनाने वाला क्या? लिडिक सेल। इतना क्लियर है आपको? बस अब हम इसको बस एनसीईआरटी से मैच करके देखना है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन यानी कि कमर के नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है, इट इंक्लूड द पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद द एक्सेसरी डक्ट ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब देखिए यहां पे देखिए क्या क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसके साथ क्या क्या होता है? एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को मैंने किसमें रखा था? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक। आप देखिए क्या लिखा है, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। मैंने क्यों बताया इस पॉइंट को? देखिए टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इसका मैंने रीजन बता दिया था। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। अब देखिए, द स्कॉटम हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, वेरी इंपॉर्टेंट, लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो कि किसके लिए जरूरत है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ठीक है,
विद लेंथ, लेंथ याद रखिएगा, लेंथ कितना होता है 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ जो है वो है हमारा 2 से 3 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन याद रखिएगा आप लोग, लेंथ है 4 से 5 और विड्थ है 2 से 3। नीड में डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन भी आया था इसके लेंथ, इसके डायमेंशन पे ही क्वेश्चन था, लेंथ या विड्थ में से, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं लेकिन था क्वेश्चन ये। चलिए आगे देखिए, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, उस कवरिंग का नाम क्या था, ट्यूनिका एल्बुजीनिया। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है उसका, क्या नाम है कंपार्टमेंट का, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखिए, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। सही बात है, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। उसमें 2 तरह की सेल्स पाई जाती है, जर्म सेल और सर्टोली सेल। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल आर कॉल्ड मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, एंड सर्टोली सेल। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, while Sertoli cell provide nutrition to the germ cell and the region outside the seminiferous tubule called interstitial space and it called a blood vessels and interstitial cell या लिडिक सेल। मैंने बता दिया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है जो कि हार्मोन बनाता है, हार्मोन का नाम क्या है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, और सेल का नाम क्या है, लिडिक सेल, लिडिक सेल, ठीक। लिडिक सेल सिंथेसाइज सीक्रेट एंड टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, ठीक है, एंड अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। कह रहा है कि और उसके अलावा, लिडिक सेल के अलावा भी कुछ कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए थोड़ा हेल्पफुल है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन है, ज्यादा ज्यादा एक क्वेश्चन बताइए मेरे को। मान लीजिए हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3 ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मानिए आप, ज्यादा नहीं, 3। अब आप मेरे को बताइए एक मेल के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, ऑप्शन ए है 750, ऑप्शन बी है 900, ऑप्शन सी है 1500, ऑप्शन डी है 600। देखिए क्वेश्चन क्या लिखे, क्वेश्चन देख लीजिए पहले, एक ह्यूमंस के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो मोस्टली बच्चे ये आंसर लगाएंगे 750, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं और 250 कंपार्टमेंट में मैंने बताया कि हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। मैंने आपको बता दिया कि 3 होने चाहिए कम से कम, ठीक है। तो आपको लगाएगा 250 × 3 = 750, ये आप सभी को लगा होगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन ए, लेकिन ये गलत है। इतना याद रखिएगा कि ह्यूमंस के अंदर पेयर में टेस्टिस होते हैं, तो सिर्फ वो एक टेस्टिस की बात कर रहा है 750, और ह्यूमंस के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं इसीलिए उसके अंदर कितने हैं 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2019 या 2017 का क्वेश्चन है, एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सिर्फ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को कवर किया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।